वेलकम टू गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वीडियो। हम आज आपको बात करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें हम जैसे OS को डालते हैं या कोई सर्विस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हमें उसमें अपडेट करना होता है जिससे सर्वर की सभी सर्विसें अपडेट हो जाएं। उसके लिए हम यम अपडेट नाम की एक कमांड इस्तेमाल करते हैं, परंतु बैकएंड से अगर अपडेट को रोका गया होगा तो यम अपडेट कमांड नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम ये स्टेप फॉलो करेंगे और हम उस प्रॉब्लम को हटा देंगे। तो देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, आओ आपको लेकर चलते हैं HStack चैनल में। सबसे पहले हमने पुट्टी सॉफ्टवेयर लॉगिन कर रखा है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम दिखा दें, ये हमारा पुट्टी सॉफ्टवेयर है और यहाँ आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास CentOS हमने लॉगिन कर रखा है। ये आप डायरेक्ट सर्वर पर भी कर सकते हो या कैसे भी। यहाँ एक कमांड लगाते हैं हम, यम अपडेट। ये कमांड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है OS को डालने के बाद। तो देखिए, जैसे ही हमने इसे इंस्टॉल किया तो ये इंस्टॉल ना होकर एक एरर दे रहा है ऐप स्ट्रीम की, और ये हमारी एरर है जो बड़ी ही फेमस एरर हो चुकी है, फेल टू डाउनलोड मेड डाटा। तो इस एरर का समाधान निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, ये वाली, ये हमारी एरर है, इस एरर को अगर हमें दूर करना है तो इसका बेहतरीन तरीका है जो आपके सामने स्क्रीन पर इन चार स्टेप में लिखा हुआ है। तो इन चार स्टेप को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एरर्स को दूर कर पाएंगे। बेहद ही आसान है ये चार स्टेप, तो हमें कुछ भी नहीं करना, इन चार स्टेप को फॉलो करना। ये वाला एरर आएगा फेल टू डाउनलोड, और चार स्टेप में हम इनको फॉलो कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना, पुट्टी सॉफ्टवेयर हमने खोला, दोबारा चला के दिखा दें, यम अपडेट। ये कमांड चलाने बेहतरीन जरूरी होती है, उसके बाद ही सभी सर्विसें अप टू डेट होती है उसकी, परंतु ये कमांड नहीं चल रही है। ऐप स्ट्रीम का कैन नॉट बी प्रिपेयर एरर आ रहा है। इस एरर को दूर करने के लिए हमें इस नोटपैड की फाइल से पहले कमांड, हमें इस डायरेक्टरी लोकेशन पर जाना है। तो गाइस, इसको कॉपी करते हैं, सीडी स्पेस ये कमांड यहाँ पेस्ट कर देते हैं और हम इस डायरेक्टरी में चले गए, यम रिपोजिटरी डॉट इन। और यहाँ जाकर हमें दो स्क्रिप्ट्स को रन करना है। फर्स्ट इस स्क्रिप्ट को रन कर दीजिए और सेकंड उस सेकंड स्क्रिप्ट को रन कर दीजिए। जैसे ही हमारी दोनों स्क्रिप्ट्स रन हो जाएंगी तो हमारी कमांड्स जो अपडेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। कोई बड़ी हाईटेक नहीं है, दो कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इस वीडियो पे। आपको ये दो कमांड ही केवल लगानी है और अब आपका कंप्यूटर रेडी है। तो करके देखें, यम अपडेट। ये देखिए दोस्तों, ये कमांड वर्किंग हो गई है, अपडेट होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अभी तक लिनक्स प्लेटफॉर्म में डाला था, कोई पैकेज अवेलेबल नहीं था, अभी आपके सामने ये पैकेज अवेलेबल है। इंस्टॉल 3 पैकेज, अपग्रेड 82 पैकेज। जब 82 पैकेज अपग्रेड ही नहीं करेंगे तो फिर कंप्यूटर काम कैसे करेगा। तो ये आपके सामने बेहतरीन तरीके से हमने करके दिखाया गाइस। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके स्क्रीन पर देखिए, ये CentOS 8 था जो अपग्रेड नहीं हो रहा था और आपको एरर आ रही थी। बेहतरीन तरीके से 3 ही कमांड के जरिए हमने इस OS को अपग्रेड कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम।
तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपके यूज़फुल है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके थ्रू आप CentOS को अपग्रेड करने में जो एरर आ रहे हैं स्क्रिप्टिंग के, उनको दूर कर सकते हैं और आप CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपके सामने देखते देखते हमने इस कमांड के जरिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया, सभी पैकेज डाउनलोड कर लिए, 167 पैकेज डाउनलोड हुए, सभी के सभी पैकेज इंस्टॉल एंड अपग्रेड हो रहे हैं। तो बिना ही किसी प्रॉब्लम के हमने बड़े ही ईजी तरीके से CentOS 8 वर्जन में जो अपग्रेड की एरर थी उसको ठीक कर ली। ये आपके सामने अभी भी डाउनलोड तो हो गया, सारे पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके बाद हम अगेन ये कमांड लगाएंगे यम अपडेट, और इस कमांड के लगाते ही हमारे सामने कोई भी अपग्रेड का मैसेज नहीं आना चाहिए, सिस्टम अप टू डेट आना चाहिए। आपको दिखाने के लिए, वीडियो में क्लैरिटी लाने के लिए, हमने बिल्कुल फ्रेश CentOS 8 वर्जन इंस्टॉल किया ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है, और बिल्कुल क्लियर आपके सामने हमने दिखाया, सभी के सभी पैकेज प्रॉपर ढंग से इंस्टॉल हुए और आपके सामने इंस्टॉलेशन चल रही है। ये देखिए दोस्तों, सभी के सभी पैकेज कंप्लीट हो गए हैं विदाउट एनी एरर। एक बार फिर कमांड को चला कर देख लेते हैं, यम अपडेट कमांड लगाने पे सभी के फाइल्स अपडेट हो गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन टेक्निकल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएँ, और शुभरात्रि, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।